हेलो गाइस, दिस इज़ राजीव हियर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में. ओके, स्विच केस इन जावा लैंग्वेज. सो स्टार्ट करते हैं. सो स्विच केस है क्या? सो आई होप कि सबको पता होगा कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स लेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं. ठीक है, ये तीनों बेसिकली जावा लैंग्वेज में हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं. सो लेट मी ओपन अ न्यू टैब हियर. लेट मी गिव इट अ नेम, स्विच. केस डॉट जावा. ओके, सो स्विच केस डॉट जावा, बिकॉज फाइल नेम मैं यहाँ पे स्विच केस दे रहा हूँ और ये जावा प्रोग्राम है. तो जावा प्रोग्राम जब भी हम सेव करते हैं तो एक्सटेंशन डॉट जावा होता है. फाइन, तो पहले मैं एक कमेंट सेक्शन बना लेता हूँ कि हमें पहले जानना है स्विच केस होता क्या है. तो स्विच केस क्या है? स्विच केस जानने से पहले थोड़ा हमें ये जानना पड़ेगा कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स लेटर क्या होता है. तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, इफ एल्स क्यों यूज करते हैं? सिंपल, इफ एल्स, इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन वन सिंगल कंडीशन, अगर हमें सिर्फ एक सिंगल कंडीशन पर वर्क करना है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं. Like if something is true, then you want to do something, and if something is false, then you want to do something else. So basically, this is the syntax of if else. Okay? अगर if हमारा condition true हुआ तो यहाँ पर हम कुछ work perform करेंगे, ठीक. और अगर हमारा condition false हो गया तो हम else में कुछ work perform करेंगे. ये हमारा if else है. दूसरा है हमारा नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? अगर हम इफ के अंदर, इफ एल्स के अंदर फर्दर फिर से हम इफ एल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स. यानी बेसिकली हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज क्यों करते हैं? जब हमें कुछ ऐसा वर्क परफॉर्म करना है, लाइक इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, देन यू वॉन्ट टू डू समथिंग. सपोज हमें चेक करना है कि किसी का एज चेक करना है कि वोटिंग देने के लायक है कि नहीं, ठीक है, वोट कर सकता है कि नहीं. तो यह जो दो चीज चेक करना होगा, पहला उसका एज 18 से ऊपर है कि नहीं. तो पहला कंडीशन, एज ग्रेटर देन 18. अगर ये भी ट्रू हो गया तो दूसरा क्या चेक करना होगा? कि उसके पास वोटर आई डी कार्ड है कि नहीं, ठीक है. दूसरा कंडीशन, इफ वोटर आईडी इक्वल्स टू यस. ये बेसिकली हम वोटर आईडी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, तो यहां पे हम इक्वल फंक्शन का यूज करेंगे. क्या पास कर देंगे? यस, ठीक है. अगर ये भी हमारा ट्रू हो गया तो हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हिज एलिजिबल, ठीक है. ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है. एंड थर्ड है हमारा इफ एल्स लैडर. अब इफ एल्स लैडर और स्विच केस, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं, हालांकि डिफरेंस है दोनों में, बहुत बहुत सिमिलैरिटी भी है, ठीक है. इफ एल्स लेटर बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होता है तब यूज करते हैं. यानी इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यू वांट टू डू समथिंग. लाइक इफ कंडीशन इज ट्रू देन सम स्टेटमेंट, एल्स, एल्स में फिर से इफ कंडीशन इज ट्रू देन अगेन सम स्टेटमेंट. Else, again, some statement. So it will goes on. ये चलता रहेगा ऐसे. If के अंदर if का else, else के अंदर if, फिर उसका else, उसके अंदर if. ये आप जितना condition है तब तक लगा सकते हो. अब हम बात करने वाले हैं switch case. Switch case क्या होता है? जब हमारे पास same, समझो आप if else letter की तरह ही use होता है. अगर हमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क ऑन ईच कंडीशन, ठीक है, तो
तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस। बेसिकली स्विच केस हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए यूज होता है। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मीन्स समथिंग लाइक यू वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। जैसे अगर यूजर ने वॉवल एंटर किया यानी ए ई आई ओ यू, तो आउटपुट क्या आ जाए, दिस इज वॉवल। और यूजर ने कॉन्सोनेंट एंटर किया तो आउटपुट क्या आ जाए, दिस इज कॉन्सोनेंट। या फिर एक और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यूजर ने वन एंटर किया तो आउटपुट आ जाए, दिस इज वन। यूजर ने टू एंटर किया, वन पे क्या आउटपुट चाहिए, दिस इज वन। ठीक है, अगर यूजर ने एंटर किया टू तो टू पे क्या आउटपुट चाहिए, दिस इज टू। उसी तरह अगर यूजर ने थ्री एंटर किया तो क्या आउटपुट चाहिए, दिस इज थ्री। यूजर ने फोर एंटर किया तो क्या आउटपुट चाहिए, दिस इज फोर। सो इसके अलावा अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है, फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। आई नो इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए। प्रोग्राम क्या करना है, यूजर ने वन एंटर किया तो प्रिंट करना है, दिस इज वन। टू एंटर किया तो दिस इज टू। थ्री एंटर किया तो दिस इज थ्री। फोर एंटर किया तो दिस इज फोर। और इसके अलावा कुछ भी एंटर किया तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर इनपुट पे अलग वर्क परफॉर्म करना है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है, प्रोग्राम अगर इफ एल्स लेटर पढ़ा होगा तो इफ एल्स लेटर से भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा सिंपल तरीके से स्विच केस से हो जाएगा। ठीक है, होने के लिए तो सिर्फ हम इफ से भी कर सकते हैं, बट स्विच से बहुत सिंपल तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्विच केस का सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच केस का हम सिंटैक्स देख लेते हैं, तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, फिर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल, जिस वेरिएबल में यूजर अपना चॉइस एंटर करेगा, फिर स्विच के नीचे स्विच का ब्लॉक, देन जितने इनपुट पे हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है उतने केसेस डिफाइन करेंगे। सो केस और फिर पहला इनपुट जिस पे हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो यहां पे तो सिंटैक्स है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां वैल्यू वन। जैसे मान लो मैं जब प्रोग्राम मान लो बना रहा हूं और यूजर ने वन एंटर किया तो क्या प्रिंट करना है, दिस इज वन। तो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये जो वैल्यू वन है पूरा, ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं रहेगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा वन। ठीक है, तो अभी तो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, तो यहां पे मतलब वैल्यू वन और फिर कॉलन। अगर किसी को अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो एंड तक देखो इसको पूरा, जब मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। फिर कॉलन, याद रखना सेमी कॉलन नहीं, कॉलन होगा। फिर केस के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, देन उसके बाद ब्रेक। सो कुछ लोगों को शायद ये पता ना हो ब्रेक क्या होता है, तो मैं अभी वो भी बताऊंगा। देन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा, जिस इनपुट पे हमें वर्क परफॉर्म करना है, अगला जो इनपुट है, सो वैल्यू टू, फिर कॉलन और उसके बाद फिर हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू, देन अगेन ब्रेक, देन अगेन केस, वैल्यू थ्री, स्टेटमेंट थ्री, सेमी कॉलन, यहां पे मैं कॉलन लगाना भूल गया, और फिर ब्रेक। ये हम जितना चाहें उतने हम यहाँ पे स्विच केस का यूज कर सकते हैं, जितना चाहें हम। ठीक है, जब तक हमें ज़रूरत है, जितना हमें केस लगाना है हम उतना लगा सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट में जब सारे हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल एंड में हम यूज करेंगे डिफॉल्ट का। Just one minute. Just hold for one minute. Okay. तो जब हमारे सारे
केसेस खत्म हो जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे लास्ट में, डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट। और देन डिफॉल्ट में जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट डी मतलब डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक। अब यहां पे ब्रेक कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो हम छोड़ भी सकते हैं ब्रेक, क्यों अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। सो ये हमारा सिंटेक्स है स्विच केस का, ठीक है। यहां पे बेसिकली होगा क्या, ये जो हमारा वेरिएबल है स्विच के अंदर, जो मैंने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर यूजर डेटा एंटर करेगा, इसके अंदर हमारा इनपुट होगा, और इनपुट जिस केस से मैच करेगा वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो इस वेरिएबल में यूजर ने 1 एंटर किया, और पहला वाला केस हमारा क्या है, केस 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह मान लो 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और केस 1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक हमें तुरंत केस के बाहर निकाल देगा, यानी केस स्विच से बाहर निकाल देगा। स्विच कहाँ एंड हो रहा है, लाइन नंबर 30 पे, तो लाइन नंबर 30 से आगे भेज देगा हमें, स्विच के बाहर निकाल देगा। ऐसा क्यों, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर जो नीचे लिखा है केस 2 केस 3 ये पूरे लाइन से एग्जीक्यूट होने लगेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ब्रेक नहीं होगा तो अगला केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ इस पर, सेम वही ऊपर वाला प्रोग्राम करता हूँ। क्या था प्रोग्राम हमारा, कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा, अगर नंबर 1 हुआ तो क्या प्रिंट करना है, दिस इज 1, नंबर 2 हुआ तो दिस इज 2, नंबर 3 हुआ तो दिस इज 3, 4 हुआ तो दिस इज 4, और इसके अलावा कोई भी नंबर या कुछ भी हुआ तो क्या प्रिंट कर देना है, इनवैलिड इनपुट। तो लेट्स डू इट। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, देन लेट्स क्रिएट आवर क्लास, क्लास का नाम मैं देता हूँ स्विच केस, जिस नाम से सेव किए वही नाम दूंगा। अब इसके अंदर मैं मेथड बना लेता हूँ, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग ए आर, एक एरे हम पास करते हैं मेन में, देन इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर एस सी असाइन विथ न्यू, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई एन टी वेर, किसी नाम का हम वेरिएबल ले सकते हैं, उसे कोई इशू नहीं है। एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें एक मैसेज दे देते हैं एंटर द नंबर, फाइन। अब यहाँ इनपुट ले लेते हैं वेर असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है, तो यूजर जो भी इनपुट होगा वेर में दे देगा। अब स्विच का यूज करते हैं, तो स्विच, स्विच में क्या लिखेंगे, वेर, स्विच के नीचे स्विच का ब्लॉक। अब केसेस, क्या क्या केसेस हम बनाएंगे, क्वेश्चन क्या है, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो क्या प्रिंट करना है, दिस इज 1, 2 एंटर किया दिस इज 2, 3 पे दिस इज 3, 4 पे दिस इज 4। सो मैंने क्या बोला, जिस इनपुट पे हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है, उतने केसेस हम बनाएंगे। तो 1 पे हमें वर्क परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, प्रिंट करना है मैसेज दिस इज 1, 2 पे भी करना है, 3 पे भी करना है, 4 पे भी करना है, तो हम टोटल 4 केसेस बनाएंगे। तो पहला केस क्या होगा, केस, अब याद करो सिंटेक्स में क्या था, वैल्यू 1 था ना, ये ऊपर सिंटेक्स देखो, देखो केस वैल्यू 1, एक्चुअली मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, ये वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 1 मतलब पहला इनपुट जिस पे हमें वर्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे केस के बाद क्या हो जाएगा, केस 1, और इसके बाद क्या होगा, कॉलन, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट, तो मैं इस केस में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है दिस इज 1, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैसेज दे देते हैं दिस इज 1, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ब्रेक, ब्रेक क्यों होगा, ताकि हम स्विच से बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट अगला वर्क किस पे परफॉर्म करना है, केस 2 पे, सो केस 2, केस 2 पे क्या करना है हमको, प्रिंट करना है दिस इज 2, देन अगेन ब्रेक, फिर क्या करना है हमें, केस 3, केस 3 में क्या प्रिंट करना है, दिस इज 3, और फिर ब्रेक। नेक्स्ट क्या होगा, केस 4, केस 4 में क्या करना है,
दिस इज फो, फिर ब्रेक, और फिर ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे। अब 1 2 3 4 चार इनपुट भी हमें अलग अलग वर्क परफॉर्म करना था, ये चार इनपुट हमने बना दिया। अब यूजर कुछ भी एंटर करे हमें क्या प्रिंट कर देना है, इनवैलिड इनपुट, तो उस स्टेटमेंट को हम डिफॉल्ट में डाल देंगे। सो डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर इनवैलिड इनपुट, ये हो गया हमारा, ठीक है। और फिर यहां पे ब्रेक। डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब यूजर ने वेयर में जो भी एंटर किया अगर वो किसी भी केस से मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे अब चलो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी पहले लाइन नंबर 35, सब प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन वही है, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 36, देन लाइन नंबर 37, देन लाइन नंबर 38, देन ऐसे होते हुए कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 43, वेयर असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट int, इनपुट मांगेगा। सपोज यूजर ने एंटर किया 3, ठीक है, यानी यहाँ पे स्विच में वेयर के अंदर कितना आ गया 3, तो अभी देखेगा किस केस से मैच कर रहा है, तो केस 1 से मैच किया नहीं किया, तो केस 1 के अंदर नहीं जाएगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लाइन नंबर 47 और 48। केस 2 से मैच किया नहीं हुआ, तो केस 2 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस 3 से मैच किया, मैच कर गया, वेयर में 3 है तो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा दिस इज 3। और ब्रेक क्या करेगा, ये ब्रेक जब एग्जीक्यूट होगा अगला लाइन, तो इस स्विच से कंप्यूटर को बाहर निकाल देगा। अगर ये ब्रेक नहीं रहता तो क्या होता भाई, कंप्यूटर तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करना है, तो केस 3 पे आ तो गया हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करने, अब वो पूरा नीचे सारा कर देता, यानी केस 4 को भी कर देता, फिर इस लाइन को भी कर देता, फिर ये वाला जो ब्रेक है ये वाला बाहर निकालता, मतलब एक्स्ट्रा कोड एग्जीक्यूट हो जाता, इसलिए ब्रेक जरूरी है। क्लियर हो गया। उसी तरह मान लो यहाँ पे यूजर ने वायर में एंटर किया होता 1, तो किससे मैच कर जाता, केस 1 से, और क्या प्रिंट कर देता दिस इज 1, और ब्रेक क्या करता बाहर निकाल देता। अच्छा अब चलो मान लो यूजर ने एंटर कर दिया कुछ और, कुछ रैंडम कुछ भी, सपोज यूजर ने एंटर कर दिया पी, तो नंबर भी नहीं है, तो पहले तो एरर आ जाएगा क्योंकि हमने एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी लिया है, तो कैरेक्टर को रीड नहीं करेगा। तो चलो मान लो यूजर ने एंटर कर दिया 6, तो 6 किसी मैच के केस से मैच किया नहीं, ना 1 से करेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या बताया था, अगर किसी मैच केस से मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। और मैंने क्या बोला था, लास्ट में ब्रेक जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो ऐसे ही स्विच एंड हो रहा है, स्विच से बाहर ही निकल रहा है हमारा ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर, तो वहां ब्रेक लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो क्लियर हो गया है प्रोग्राम। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट हमारा एंड में ही होगा, लास्ट में ही होगा, डिफॉल्ट कहीं भी हो सकता है, सबसे ऊपर भी हो सकता है, बीच में ही हो सकता है, काम हमेशा सेम वैसे ही करेगा। जैसे मान लो मैं डिफॉल्ट को यहां लगा देता हूं बिल्कुल ऊपर यहां, ठीक है, तो यहां भी डिफॉल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिफॉल्ट ऊपर या बीच में है तो फिर ब्रेक लगाना होगा। ब्रेक सिर्फ कहां नहीं रहेगा, जो सबसे नीचे है, जैसे अभी सबसे नीचे कौन सा है, केस 4, तो यहां ब्रेक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लियर हो गया है। तो इसमें कोई ऐसा नंबरिंग का कोई कंपल्सन नहीं है, तुम्हें जिसको जहां लिखना है लिख सकते हो, तुम पहले केस 4 को लिखो, फिर केस 1 को लिखो, फिर केस 2 को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो होप ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्विच केस बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं इसको रन करके बस जल्दी से दिखा देता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। सो रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी, और प्रोग्राम का नाम क्या है, स्विच केस डॉट जावा। सो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अब रन करेंगे। जिसको नहीं पता रन कैसे करेंगे, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। जावा स्विच केस, एंटर करता हूँ। ओके, देयर इज सम एरर, आई डोंट नो व्हाई, जावा एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच केस सी ए एस ई। फिर से इसको हम रन करते हैं, जावा सी एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच केस डॉट जावा, ठीक है।
ओके, हमारी क्लास फाइल जनरेट नहीं हो रही है, आई डोंट नो द रीज़न। जावा, ओके स्पेलिंग यहाँ पे जावा का गलत है, आई डोंट नो। सो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। मैं काम करता हूँ, पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और इसको दूसरे एक फाइल में लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ से कट कर लिया पूरा, मैं यहाँ पे एक दूसरा फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ SW स्विच जे डॉट जावा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और क्लास का नाम हमें चेंज करना होगा, तो क्लास का नाम मैं देता हूँ स्विच जे। ओके, और इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसे सही कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लिया मैंने, फिर से रन करते हैं, होप अप हो जाएगा है। जावा और क्लास नेम क्या है, स्विच जे। जावा सी स्विच जे स्टिल इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके, हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, तो जावा, ठीक है, क्लास नेम क्या है, स्विच जे, एंटर करते हैं, एंटर द नंबर, मैं नंबर एंटर करता हूँ 2। देखो आ गया, दिस इज़ 2। क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करता हूँ और नंबर एंटर करता हूँ मैं 4। देखो आ गया, दिस इज़ 4। फिर से रन करता हूँ, एंटर द नंबर, मैं 8 एंटर करता हूँ, तो 8 किसी केस से मैच करेगा, नहीं करेगा तो कंप्यूटर डिफॉल्ट में चला जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड इनपुट। देखो इनवैलिड इनपुट। सो होप ये क्लियर हो गया होगा, और इन थोड़ा सा स्पेलिंग मिसमैच हो गया आई थिंक क्लास नेम में और जिस नाम से मैंने प्रोग्राम सेव किया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो होप वो समझ में आ गया हो गया। सो थैंक यू सो मच। मैं स्विच केस पे एक और प्रोग्राम बनाऊंगा जल्दी ही, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, ताकि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए।